पूरे सूबे के साथ सिल्क सिटी भागलपुर में भी शीतलहर सितमढ़ा रही है। जिले में पारा लुढ़क कर 6 डिग्री तक पहुंच गया है। जिले में शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी प्राथमिक विद्यालयों के साथ साथ निजी विद्यालयों के 8वीं क्लास तक के पठन पाठन पर 20 जनवरी तक रोक लगा दी है। साथ ही साथ उच्च विद्यालयों में पठन पाठन के समय में बदलाव किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक विद्यालयों और आंगनबाड़ी को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ 9वीं क्लास के ऊपर के पठन पाठन के समय में बदलाव किया गया है। हम लोगों ने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई को प्रतिबंधित कर दिया है। क्लासेस नहीं चलेंगे, स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा भी जो 9th एवं 11th की क्लासेस हैं वो 9 बजे के बाद ही क्लासेस का संचालन होगा, वो भी पर्याप्त प्रिकॉशन के साथ कि किसी बच्चे को जो ठंड का दुष्प्रभाव है उससे उस बच्चे को बचाया जा सके। और 3:30 बजे के बाद कक्षाएं नहीं होंगी। 8वीं तक की जो कक्षा है वो 20 तारीख के लिए सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। अलाव की व्यवस्था? अलाव की व्यवस्था अंचल से हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं और DOC में डेली इसकी रिपोर्ट है, आप लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अंचल के विभिन्न स्थानों पर जो भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, सभी गाँव में करना संभव नहीं है, जो भीड़ भाड़ वाले स्थान जहाँ देर रात्रि तक लोग रहते हैं वहाँ अलाव की व्यवस्था की जा रही है। डेली इसको रिपोर्ट भी ली जा रही है और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी रिपोर्ट आता है। नगर निगम भी शहर में कर रहा है, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो नगर निगम में हम लोग और स्थानों पर भी अलाव की व्यवस्था। भागलपुर शहर की 0 माइल चाणक्य विहार कॉलोनी की रहने वाली मीमांसा 68वें BPSC परीक्षा में 10वीं रैंक लाकर सहायक आयकर आयुक्त बन गई है। मीमांसा के पिता मिथिलेश कुमार यादव कॉपरेटिव विभाग में कार्यरत है, वहीं उनकी मां कंचन देवी एक गृहिणी है। बेटी की सफलता के बाद दोनों के खुशी का ठिकाना नहीं है। बता दें, मीमांसा घर की बड़ी बेटी है। पिता ने कहा, आज मेरी बेटी ने मेरा नाम हर जगह ऊंचा कर दिया। मीमांसा का यह दूसरा प्रयास है जिसमें उसने सफलता पाई है। पहला प्रयास वो 2022 में पोस्ट ग्रेजुएट की समय ली थी जिसमें उसे निराशा हाथ लगी थी। उसके बाद वो घर लौटकर कठोर परिश्रम कर आज इस मुकाम को हासिल की है। उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा माउंट असीसी भागलपुर से इंटरमीडिएट तक की थी। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर किया। उन्होंने राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। मीमांसा ने बताया कि उसने बिना कोचिंग के यह सफलता पाई है। उसने साफ तौर पर कहा कि मैं किसी कोचिंग से पढ़ाई नहीं की, स्टडी पर मैं मुख्य रूप से फोकस की। वो हर दिन तकरीबन 12 घंटे की सेल्फ स्टडी करती थी। सोमवार की रात 68वीं BPSC का रिजल्ट जारी होते ही मीमांसा को बधाई देने वालों का तांता लग गया। तो आप कंसिस्टेंट रहिएगा, मैं शुरुआत से कह रही हूँ कि एक दिन की जर्नी नहीं है, बहुत लंबी जर्नी है। हर दूसरे तीसरे दिन मन नहीं करता वही किताबें उठाने का, मन करता है कुछ नया करें, वही पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बहुत दिनों से देख रहे हैं तो मन किसी का नहीं करता ये बार बार एक ही किताब पढ़ने का। बट छोटे छोटे मिनी टारगेट्स बनाए, एक दिन में बहुत बड़ा टारगेट बना लेंगे तो वो अचीव नहीं होगा। छोटे छोटे टारगेट्स बनाए, कंसिस्टेंटली पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, बीच बीच में ब्रेक लें, हॉबीज को परस्यू करें। मुझे पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है तो मैं बीच बीच में पेंटिंग बनाते रहती थी। इनफैक्ट मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने बोला था डूडल आर्ट बनाना, तो उन्होंने बोला ये क्या होता है, तो मैंने बोला जब भी रैंडम थॉट्स आते हैं ना तो मैं उनको स्केच कर देती हूँ एक पेपर में। तो उसी से जुड़ा उन्होंने मुझसे एक और सवाल भी पूछा था कि एक सर जो उनसे पहले इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने मुझसे बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्वेश्चन पूछे थे, लैंड बॉर्डर्स पे। तो उन्होंने बोला कि जब सर आपसे ये सवाल पूछ रहे थे तो आपके दिमाग में क्या आ रहा था, आप इनका डूडल क्या बनाती। तो मैंने बोला था उनको लैंड बॉर्डर के एग्रीमेंट्स, पॉलिटी की किताब और क्वेश्चन मार्क। तो इस पे सब हंस भी रहे थे। तो ये अवेयर रहिए और बहुत ज्यादा लोड मत दीजिए। हम कई बार खुद को इतना प्रेशराइज कर लेते हैं जितनी उतनी जरूरत भी नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है, बेस तो हम लोग बेसिक तो यहीं से हैं, पापा वहाँ थे तो वहीं सेटल हो गए, लेकिन बेस तो हम लोग का बिहार का है भाई। बिहार की बेटी आगे जाए तो हम लोग के लिए सबके लिए प्राउड फील है ना। तो दिल्ली और बिहार में यही अंतर है कि सब बिहार का बच्चा भाई जाना चाहिए। तो बस है, बस हमको यही लग रहा है कि बेटी बिहार के लिए अच्छा काम करे, क्योंकि हमारा स्टेट है और हमारा जगह है, तो कुछ काम करना तो बिहार के लिए क्यों काम नहीं करना। खुश है, बहुत अच्छा उपलब्धि हासिल कर रहा है मेरी बेटी ने और मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। आपका सपना जो आपने देखा था अपने लिए, बिल्कुल जो छूट गया था हमारा, इन्होंने पूरा कर दिया है और आगे और अचीवमेंट अच्छा करेगी। UPSC हम लोग का टारगेट था कि बेटी UPSC दे और देगी भी, ईश्वर करे तो सबका आशीर्वाद रहेगा।
भागलपुर जिला के नौगछिया के एक शिक्षिका ने साबित कर दिया कि अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी काम कठिन नहीं होता। हेमलता चौहान की पढ़ाने का अंदाज बच्चों को खूब भा रहा है। शिक्षिका हेमलता चौहान के पढ़ाने के अनोखे अंदाज की चर्चा आज सभी की जुबान पर है। वो हर दिन नए नए प्रयोग कर बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई कराती है, जिससे बच्चे खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पढ़ाने का तरीका शायद बेहतर देखने को मिल पाता है, लेकिन पढ़ाने का यह तरीका जमकर सुर्खियां बटोर रहा है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल भागलपुर जिले के नौगछिया नगर परिषद के फूलचंद मध्य विद्यालय की शिक्षिका हेमलता चौहान के पढ़ाने के तरीके के लोग कायल हो गए हैं। वायरल वीडियो में शिक्षिका छात्रों से काफी सुरीले और मजाकिया अंदाज में गाने गाकर गुड मॉर्निंग कहने के लिए सिखा रही है और छात्र भी मस्ती से उसे सीख रहे हैं। इसी दौरान साथी शिक्षिका ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो खूब वायरल हो रहा है। शिक्षिका तीसरी से पांचवी कक्षा के बच्चों को यह सिखा रही है, जो सरकारी विद्यालयों में शायद आठवीं तक में बच्चे सीख पाते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, जिसमें भागलपुर व भागलपुर के आसपास के कई राजनीतिक दलों के लोग पहुंचे थे। वहीं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने सभी अतिथियों का गुलाब फूल देकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए अजीत शर्मा ने बताया कि आगामी चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत रही है। वहीं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के बेटे वैभव शर्मा ने यह कहा कि मुझे राजनीति में अभी कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं राजनीति में अभी कदम नहीं रखना चाहता। उन्होंने बताया कि मैं भागलपुर 12 वर्ष के बाद आया हूं, पटना से भागलपुर आने के क्रम में काफी विकास दिखा। देखिए, मकर संक्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। सूर्य भगवान का उपासना करते हैं हम लोग पूरे, और चूंकि कल था, सब लोग व्यस्त रहते हैं अपने घर में पूजा में, आज हर वर्ष की तरह हम पूरे वर्कर्स और पूरे जनता के साथ और आप सबों के साथ बिल्कुल इस मकर संक्रांति को मनाते हैं, ताकि सूर्य भगवान से उपासना आप लोग सब करते हैं। और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि आपकी जो मनोकामना पूर्ण हो वो सूर्य भगवान आपका पूरा करें और सब लोग मिलजुल के बिहार और देश को एक रख के आगे बढ़ाने का काम करें। और आगे की सोच क्या है? अभी 12 साल के बाद आए और पापा ने बोला था कि इस बार आना है और सारे लोगों के साथ रहना है, तो फिर बस आगे भागलपुर को देख के पहले और अभी में कुछ अंतर दिखा? काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है, काफ़ी सारे मॉल्स खुल गए हैं, रोड पटना से इधर आया था, काफ़ी रोड बन चुका है और काफ़ी अच्छा लगा आके। राजनीतिक क्षेत्र में आने का भी कुछ अभी तो कुछ नहीं है।
अभी तो कुछ नहीं, बस पापा के साथ खड़े हैं। भागलपुर आप आना चाहते हैं, आपकी यहाँ पर रह के कुछ ऐसा करें कि हाँ कुछ थोड़ा बहुत बिजनेस का देखना चाहता हूँ भागलपुर। प्रभु श्री राम के दीवाने हर कोई है, लाखों करोड़ों लोगों को इस पल का इंतजार था कि कब प्रभु श्री राम को छत मिलेगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर कोई उत्साहित है। एक दिव्यांग नौगछिया से ट्राईसाइकिल से 620 किलोमीटर की अयोध्या की यात्रा पर निकल पड़ा है। नौगछिया का नगरा निवासी राम भक्त दिव्यांग कन्हैया लाल अयोध्या के लिए निकला है। अपने आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर को देखने के लिए अपने एक पैर से दिव्यांग कन्हैया लाल 620 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। कन्हैया लाल ने बताया कि भगवान राम से काफी गहरा लगाव रहा है। उन्होंने कहा कि जब से सुप्रीम कोर्ट से रामलला के पक्ष में फैसला आया, उसी दिन सोच लिया जब भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन वहां जाऊंगा और 1100 दीप जलाऊंगा। यह मैंने मन्नत मांगी थी जिसको पूरा करने के लिए अयोध्या के लिए निकला हूं। कन्हैया लाल ने आगे बताया कि हमारे आराध्य भगवान श्री राम 500 साल बाद फिर से अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। यह हम सभी हिंदुओं के लिए सौभाग्य की बात है। श्री राम के नाम का उमंग, ये 500 वर्षों की आज़ादी है सर। हम लोग 500 वर्षों में आज़ाद हुए हैं। आज सही मायने में हमको आज़ादी मिली है जब प्रभु श्री राम वहाँ पर उपस्थित होंगे। इसलिए इसी मनोकामना के साथ हम जा रहे हैं। हमारा क्षेत्र पूरे, यह क्षेत्र जो है सुख समृद्धि से भरा रहे, शांति रहे हमारे क्षेत्र में। इसलिए 2019 में ही सोचे थे, जब कोर्ट ऑर्डर दिया था उसी समय हम सोचे थे कि जब प्रभु श्री राम विराजमान होंगे वहाँ तो दर्शन में चाहे जो भी कष्ट सहना पड़े हम जाएंगे। 3-4 दिन में रुकते रुकते हम 20 तारीख को अयोध्या दीपोत्सव कार्यक्रम है सर, 1100 दीप जलाना है। इसी मनोकामना के साथ जा रहे हैं ताकि हमारा क्षेत्र जो है सुख समृद्धि से भरा रहे। इसलिए हम 1100 मनोकामना दीप वहां पर अयोध्या में 22 तारीख को जला जी। सिर्फ प्रभु श्री राम के सहारे, उन्हीं का नाम लेते हुए हम अकेले ही हैं, अकेले जा रहे हैं। प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए हम पहुँच जाएंगे। राम का सहारा है, प्रभु श्री राम का सहारा है, अयोध्या पहुंच वही बेड़ा पार करेंगे, वही बेड़ा पार करेंगे। नाम मेरा कन्हैया लाल हुआ, घर नगरा थाना नवगछिया, जिला भागलपुर, बिहार। जो अब जो दिक्कत हो रास्ते में सब कठिनाई सहते हुए पहुंचना है अयोध्या धाम तो पहुंचना है। हाँ, जय ही विधि राखे राम, ताही विधि रही है, पहुँचना है तो पहुँच। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के निस्बंबे पंचायत के मुखिया नीरू देवी के घर पर ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर घेराव कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि वार्ड 14 में करीब 1.5 साल से मोटर खराब है, जिसकी समस्या को लेकर मुखिया के आवास पर पहुंचे तो मुखिया ने कहा कि हम जनता के नौकर नहीं है, ज्यादा बोलोगे तो हरिजन कोटा में केस करा देंगे। वहीं हंगामा की सूचना पर मधुसूदनपुर पुलिस पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मुखिया नीरू देवी ने बताया कि बिना किसी सूचना पर ग्रामीण मेरे घर पर आकर नारेबाजी करने लगे। वहीं जल्द ही वार्ड सदस्य के साथ बैठक कर समस्या का निदान किया जाएगा। कब से बंद है? बंद कब से? 1.5 साल से मोटर खराब है। कौन गांव? देखिए गांव नंबर से। कौन पंचायत है? निस्बंबे पंचायत से है। 14 नंबर वार्ड है। जब हम लोग मुखिया के यहाँ, आपका वार्ड का नाम क्या है? वार्ड का नाम है 14 नंबर वार्ड है, निस्बंबे पंचायत। पानी के सुविधा के लिए हम लोग यहाँ आए थे। नीरू देवी मुखिया बोली कि हम पब्लिक का सेवा नहीं करेंगे, हम आपका नौकर हैं, हम आपका सेवा करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? से यहाँ पानी का समस्या है 14 नंबर वार्ड निस्बंबे पंचायत का। तो हम लोग पूरा जनता है यहाँ मुखिया जी के घर पे पानी की सुविधा के लिए कि बोरिंग ठीक करा दीजिए। तो यहाँ बोला मुखिया जी कि हमसे ये सब काम नहीं होगा, हम जनता का नौकर नहीं है। कौन बोला? मुखिया जी बोला। क्या नाम है? नीरू देवी बोली। अच्छा, कौन पंचायत है? और उसका नीरू देवी बोली हम मूर्ख लोग से बात नहीं करेंगे, जनता को मूर्ख बना बोला। और बोला मूर्ख हरिजन कोटा से केस कर देंगे, हम लोग छोटा जाते हैं ऐसे वैसे बोलने लगा। तो छोटा जाते तो मुखिया जी है तो फिर ऐसे बोलेगा हम लोग को? मूर्ख से मूर्ख जनता से बात नहीं करेंगे। आपका वार्ड कौन है? हम लोग 14 नंबर वार्ड से हैं। क्या नाम है वार्ड का? वार्ड का नाम क्या है? रेणु देवी। वार्ड 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 14 नंबर वार्ड है। और क्या निस्बंबे पंचायत का 14 नंबर वार्ड? वार्ड पार्षद कौन है आपका? सकलदेव मंडल, रेणु देवी। रेणु देवी ठीक। हम 7 साल से बोरिंग चला रहे हैं। ठीक। 7 साल बीच में हुआ, बोरिंग मेरा फेल हो गया। फेल होने के कारण जो है इसी बीच में चिट्ठी आ गया कि अब सारा बोरिंग चल गया PhD में। उस टाइम में जब हम लोग मुखिया जी के वार्ड के अंदर में बोरिंग था तो कुछ भी टूटी होता था तुरंत उसका ठीक होता था, लेकिन अब हम लोग के बस में तो है नहीं जो कि हम इसको कर सकते हैं। अब तो जो भी करेगा PhD
पीएचडी के चिपरा मैडम को बुलाए थे, उसको सब चीज लिखा दिए थे, दिखा भी दिए थे कि मैडम ये खराब है। तो चिपरा मैडम से परसों भी हमसे बात हुआ है, तो चिपरा मैडम का कहना होगा मेरा इस्टीमेट पटना चल गया है, पटना से भर के आएगा तब हम बोरिंग। यही लोग को कहना है। शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा शुभ नाम नीरू देवी है। कौन पंचायत? मैं निस अम्बे पंचायत की मुखिया हूँ। कौन प्रखंड है? ये नाथनगर प्रखंड है। अच्छा, क्या समस्या है मैडम? समस्या तो उन लोग को बताना चाहिए ना पहले। हमको यही समस्या है कि ये लोग बिना सूचना दिए, पहले मेरा 14 वार्ड की जनता पहले सूचना देते हैं ना, मेरा वार्ड मेंबर से सूचना भेजते हैं कि ये सब समस्या है मेरे पास में, इसका बैठक होता, बैठक होने के बाद समस्या का हल निकलता। ये लोग तो कुछ किया नहीं। 50 आदमी आई और आया नीरू देवी हाय हाय, क्या कारण से किया? पानी का कारण। चलिए हम रोड जाम करेंगे, रोड जाम करने से, इतना ठंडी में रोड जाम कर देंगे, किसी को घर में मर्डर हुआ है, किसी को घर में बीमार है, किसी का कोई समस्या है, रोड जाम करने से पानी मिल जाएगा? नहीं मैडम। बताइए, पानी मिलेगा तो रोड जाम कर देते हैं। तो ये लोग को समस्या था मैडम पानी नहीं, तो ठीक है मेरा वार्ड मेंबर या हम एक फॉर्म या दरखास्त लिखेंगे या हम अपना लेटर पेड पर लिखेंगे, जनता से हम दस्तखत कराएंगे, इस पर हम मोहर दस्तखत करके जितना मेरे पास में आए इससे आधो भी मेरे पास से चलिए पीएचडी हम लेकर जाने के लिए तैयार हैं। तो यही समस्या है? हाँ, समस्या हल हो जाएगा। जो मन जो बोलने लगे, जो मन जो, क्या यही जनता कहते कि उस समय गए थे वोट मांगे थे, आप लोग को गाली गलौज करके हम वोट मांगे थे, क्योंकि हाथ जोड़ कर मांगे थे, तो आप लोग भी जो आए थे गाली गलौज करके आइएगा, कहते कि मुखिया बना दिए हैं, मुखिया बना दिया हम। कौन वार्ड से आया था? 14 वार्ड का। तो ये लोग जो आए हैं तो इसका इसमें जो समिति, भूतपूर्व का समिति है फंटूस, ये जब कह रहा है कि हम बढ़े हुए हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, क्या वो पानी का व्यवस्था वो कर देते? यही समस्या? हाँ, उसको नहीं इतना संख्या लेकर नहीं आना चाहिए। यही समस्या है ना? समस्या है ना बाबू। क्या ये हरिजन मुखिया को या लेडीज मुखिया को सरकार ही चुने हैं कि हम अपने से बन गए? सरकार चुनी। ऐसा लैंग्वेज क्यों निकालते हैं? क्यों लैंग्वेज निकालते हैं? ये तो सरकार के पास, हम तो मोदी सरकार को अप्लीकेशन देंगे कि ये जो बनाए हैं हरिजन मुखिया या लेडीज मुखिया, हम अपने से बन गए हैं। ठीक है, यही समस्या है ना? समस्या और है, ये 50-100 आदमी लेकर घर घेरना क्या है ये बताइए? समस्या हल हो जाएगा जब ये पीएचडी विभाग में, जब हम पंचायत राज में गए थे हम बैठक में, तो हम बोले कि आप लोग मेरे हाथ से जो लेकर पीएचडी हाथ में दे रहे हैं, कारण क्या? तो नहीं, ये नहीं संभाल सका, मेरा पहले ही खराब कर दिया फील्ड। तो या उनका कारण है कि मेरा कारण है? इस समय हम बोले बैठक में कि देखिए सर, आप लोग जो 20-20 लाख का बोरिंग दिए हैं, इससे बढ़िया आप एक एक चापा नल घर में दे देते, इस एक्सेस रहता काम बनता, इसका आप लोग का बैठक फाइल पर रहता है, मेरा जनता प्यास से मर रहे। अब हम जनता के प्रति क्या करें, आप ही बताइए। कुछ नहीं। हाँ, कुछ तो जरूर करेंगे जनता के प्रति, जनता के प्रति यही करेंगे कि हम जनता खुद बहुत हमको नालायक समझे या कुछ समझे, लेडीज समझे, हरिजन समझे, मगर जनता के प्रति हम ध्यान देते रहेंगे, देंगे या कुछ सोचे, मेरा कर्तव्य है, चाहे मुखिया रहे या मुखिया नहीं रहे। ठीक, मुखिया से हम पद से भी हट जाएंगे ना, तो हम जनता को हम अपना जितना सा रहेगा देंगे, अभी भी देने के लिए तैयार थे, क्या देने, मगर ये लोग लेने वाला का हाथ नीचे रहता है बेटा, देने वाला के ऊपर, नीचे वाला हाथ हटा देगा तो गिरेगा धरती पर, कहाँ गिरेगा ये बताइए। और ये लेडीज जो है, लेडीज तो और लेडीज का समझिए कि अशत्रु है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर हम लोग को मित्र समझते हैं, इज्जत देते हैं, जहाँ जाते हैं ना, पहले बोलते हैं इनके पहले बोले मुखिया, जहाँ जब एक बुजुर्ग हम हैं, बुजुर्ग होते हुए बच्चे लोग को हम प्रणाम भी करते हैं। तिलका मांझी स्थित सरकारी बस डिपो के बगल में नगर निगम के द्वारा ऑटो स्टैंड का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर सहित वार्ड पार्षदों द्वारा फीता काट कर किया गया। लंबे समय से शहर में ऑटो स्टैंड की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर नगर निगम के द्वारा बस डिपो के बगल में ऑटो स्टैंड का निर्माण कराया जा रहा था, जिसका कार्य पूरा होने के बाद आज इसका उद्घाटन किया गया। ऑटो चालकों को ऑटो लगाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और सड़क किनारे ऑटो लगाने पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा फाइन काटा जाता था, जिसको लेकर लंबे समय से ऑटो चालकों की मांग थी कि उन्हें ऑटो स्टैंड बना कर दिया जाए, जिसको देखते हुए नगर निगम के द्वारा यह पहल की गई और आज इसका उद्घाटन कर दिया गया। ऑटो स्टैंड का उद्घाटन किए हैं, ये हमारे शहर की जरूरत थी,
हमें लगता है आज ये जरूरत पूरा हुआ है। ऑटो के चलते जितनी तरह की परेशानियां थी शहर में, जाम लगना या और भी बहुत तरह की परेशानी, लोगों को समझ में नहीं आता था कि हमको कहीं जाना है तो हमको कहाँ से ऑटो पकड़ना है। एक निश्चित जगह मिल गया है, ऑटो स्टैंड बन गया है, और जो ऑटो स्टैंड जिनको मिला है नीरज जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इसको अच्छे से चलाएं और सुव्यवस्थित ढंग से इसको रखें और हमारे शहर को जिसकी ज़रूरत थी इससे आप निजात दिलाएं। अच्छी ओर बढ़ रहा है, जो सरकारी काम है उसमें कुछ बाधाएं आती हैं, लेकिन ये तेजी से विकसित की ओर बढ़ रहा है, इसमें आप सबों का भी सहयोग की ज़रूरत है। जहाँ तक आज ऑटो स्टैंड का एक जगह मिल गया है, यह बहुत भागलपुर शहर के लिए ज़रूरी था, लेकिन साथ साथ मैं नीरज जी को कहता हूँ कि जब ये ऑटो स्टैंड यहाँ बना है तो शहर में चलाने के लिए भी अपने ड्राइवरों को कहें कि वो ओवरटेक ज़्यादा नहीं करें, इसलिए कि इससे भी जाम की समस्या बनती है। साथ साथ जो ऑटो चलाने वाले जो रोज़मर्रा कमाते हैं, हो सकता है उनकी कुछ परेशानियां रहती हों, तो नीरज जी से पुनः आग्रह करूंगा कि उनकी इस समस्या को भी आप अपने स्तर से देखें। भागलपुर के तिलका मांझी स्थित सरकारी बस डिपो के बगल में नगर निगम के द्वारा ऑटो स्टैंड का निर्माण किया गया ताकि शहर में जाम की समस्या न रहे। इस कार्यक्रम के बाद गरीबों और असहायों के बीच पलटू यादव के नेतृत्व में कंबल वितरण का कार्यक्रम भी किया गया, जिसमें शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। वहीं गरीब व असहाय लोगों ने इस कपकपाती ठंड में कंबल पाकर कंबल वितरण करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया। कार्यक्रम का उद्देश्य था जो यातायात को देखते हुए हमारे समाज में जो गतिविधियों को लेके हर स्कूल के छात्र को दिक्कत का सामना करना पड़ता था, आम पब्लिक को जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता था, सभी को देखते हुए हमारे क्षेत्रवासियों को देखते हुए स्मार्ट सिटी के तहत यातायात सुचारू रूप से चले, इसके तहत ये स्टैंड जो है सुचारू रूप से हमारे भाई नीरज जी को दिया गया। इसमें हम लोग विधि व्यवस्था को पूर्ण रूपेण और विधि व्यवस्था को देखते हुए जितने भी हमारे ऑटो टोटो और जितने भी चालक बंधु हैं उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि वो हमारा साथ दें, समर्थन दें, और हमारे जितने भी आम क्षेत्रीय वासी हैं जो हमारे जनता है उनमें कोई तरीके का दुविधा उपलब्ध ना हो, जिससे कि उनके आने जाने आवागमन में कोई तरीके की गतिविधि में दिक्कत ना हो। भागलपुर वासियों